हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नाम अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इसके बारे में। आप देख रहे हैं ये जो प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम के ऊपर ये लेप क्यों लगाया जा रहा है, क्या चीज़ आखिर है ये, क्या इससे फ़ायदा होगा। तो देखो, ये है कुछ नहीं, मेरी को मतलब बहुत जबरदस्ती नहीं है आपसे कि आप इसको यूज करो, ये थोड़ा सा मन को बस संतोष देने वाली चीज़ है। हाँ, अगर आपके पास ये कुछ ज़्यादा है तो आप यूज करो, अगर हिसाब से चलना है, हिसाब से घर बनाना है आपको, तब मत यूज करो। कोई जबरदस्ती नहीं है और कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे ना। ये खाली बस वही है कि एक सोच है कि हाँ बस कर देंगे तो शायद अच्छा हो जाए। ठीक, अच्छा होता भी ऐसा नहीं कि एकदम ख़राब होता है, लेकिन चीज़ें देखनी पड़ती हैं किस कंडीशन में ये चीज़ करना है। अब जैसे आते हैं यहाँ पे, देखो क्या किया है प्लिंथ बीम के ऊपर। पहले क्या है, URP जो है और सीमेंट, उसका मिक्सर बना के एक लेप किया गया है। अब इसके बाद ये पिटफिन 2K और जो फास्ट फ्लेक्स आता है डॉक्टर फिक्सिट का, वो यहाँ पे लगाया जाएगा। इससे क्या होगी, एक लेयर बन जाएगी। वो लेयर किस तरह की बन जाएगी, प्लास्टिक टाइप की लेयर बन जाएगी। इससे क्या होगा, मान लो कोई भी सीपेज या फिर कुछ गीलापन होता है तो वो आपके जो ऊपर जो ब्रिकवर कर रहे हो आप, इस पे ये सीपेज नहीं आएगी। अब लेकिन यहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, काफ़ी लोग, शायद आपके में से काफ़ी लोग होंगे जो शायद यूज किए भी होंगे या फिर आप देखते होंगे ये चीज़। क्या करते हैं लोग कि जब प्लिंथ बीम पड़ जाती है, प्लिंथ बीम के ऊपर शायद DPC भी मान लो डाल देते हैं कई लोग, तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक, काली वाली प्लास्टिक या फिर जैसी प्लास्टिक होती है वो एक प्लास्टिक बिछा देते हैं, फिर इसके ऊपर ब्रिकवर करते हैं। क्या मतलब, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब प्लास्टिक लगाने का क्या मतलब है वहाँ पे, प्लास्टिक के ऊपर तो ऐसा नहीं कि उसमें सीमेंट या आपकी ब्रिकवर्क सब मतलब चिपक रही है भाई, तो बॉन्डिंग ही नहीं हुआ आपकी प्लिंथ बीम से आपकी चिनाई की, वो तो अलग से पूरा हिसाब है उसका। प्लास्टिक आपकी मतलब एक तरह से डिवाइडर काम कर रही है, वो कुछ सपोर्ट ही नहीं है नीचे आपकी प्लिंथ बीम में, बस खाली रेस्ट हो रही है खाली आपकी जो चिनाई है इसके ऊपर। देखिए, ऐसा काम मत करो बिल्कुल भी कि प्लास्टिक आपको कतई में यूज करना है, प्लास्टिक पॉलीथीन जो भी है आपको यूज करना है, अगर यूज करो तो ये डॉक्टर फिक्सिट यूज कर लो या फिर कोई और केमिकल यूज कर लो, लेकिन प्लास्टिक मत लगना गलती से भी, इस तरह गलती मत करना कभी भी, ठीक है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली बेकार ही चीज़ें हैं, ठीक। अब इससे देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लिंथ बीम के ऊपर URP यूज हो रहा है, 2K यूज होगा, फास्ट फ्लेक्स यूज होगा, तो इससे फ़ायदा क्या, जब भी चिनाई होगी तो यहाँ पे सीपेज ऊपर आएगी नहीं, लेकिन कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो, आप प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम से मिट्टी आपको कितनी नीचे दिख रही है, प्लिंथ बीम से मिट्टी लगभग 1 फीट नीचे है अभी। हाँ, ये है कि अभी थोड़ा सा मिट्टी और डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में मिट्टी पूरी फिल थी, यहाँ पे पानी तराई होती है, कॉलम की तराई होती है, ब्रिक वॉल की तराई होती है, तो जो भी पानी निकलता है वो मिट्टी के ऊपर आके वो मिट्टी धंसती रहती है, धीरे धीरे बैठती रहती है। तो अब मिट्टी देखो इतनी बैठ चुकी है, काफ़ी सॉलिड हो चुकी है यहाँ पर मिट्टी, ठीक है। अभी सटरिंग भी नहीं हुई देखो, लेकिन अभी यहाँ पे मिट्टी और पड़ेगी सटरिंग होने से, जब सटरिंग होना शुरू होगी तो उस टाइम मिट्टी और डाली जाएगी यहाँ पे। तो मिट्टी कम से कम अभी जैसे 1 फीट दिख रहा है गड्ढा आपको, जो मिट्टी तक बीम प्लिंथ बीम के टॉप से अगर देखते हैं तो 1 फीट लगभग गहरा है अभी यहाँ पे, लगभग 6-7 इंच के आसपास और मिट्टी डाली जाएगी। जब ये मिट्टी बैठ जाएगी अच्छे से, तब इसके बाद आपको कंक्रीट, वो जो है कच्ची रोड़ी है या फिर आपको PCC डालना है या फिर पत्थर लगाना है, तो पत्थर मुश्किल से जो प्लिंथ बीम आपको टॉप दिख रहा है जहाँ पे एक लेप कर रहा है, इससे मुश्किल से 1.5-2 या 3 इंच तक ही पत्थर ऊपर आएगा, समझे ना। मिट्टी प्लिंथ बीम के लेवल तक नहीं आएगी, अगर मिट्टी प्लिंथ बीम के लेवल से ऊपर आती है तब सीपेज होने की 100% संभावना है कि आपकी दीवार में सीपेज आएगी, ठीक है। मिट्टी, यही कोशिश करो कि दीवार जो ब्रिक वॉल है वो आपकी मिट्टी के संपर्क में ना आए, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।